बिहार में हुई अनोखी शादी। 5 दिन का प्यार, 7वें दिन हुई शादी। अस्पताल में मां का इलाज करवाने गई लड़की ने स्वास्थ्य कर्मी से की शादी। बिना दहेज के दोनों ने रजामंदी से कर ली शादी। ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहां आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो न जाति देखता है और न ही दान दहेज। प्यार अगर सच्चा हो तो अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है। प्यार से जुड़ा एक ऐसा ही मामला बिहार से आया है, जहां महज 5 दिन में ही एक जोड़े ने इसे अंजाम तक यानी शादी तक पहुंचा दिया है, वो भी परिवार की रजामंदी से और बिना दान दहेज के। खास बात ये है कि इस प्यार की शुरुआत अस्पताल से हुई और ये मुकाम पर मंदिर में पहुंचा, जहां ईश्वर को साक्षी मानकर प्रेमी जोड़ा एक दूसरे का हो गया। दरअसल हाजीपुर के सदर अस्पताल में काम करने वाला एक स्वास्थ्य कर्मी माँ का इलाज कराने पहुंची एक युवती पर अपना दिल दे बैठा। इतना ही नहीं, प्रेम में पागल इस कर्मी ने 5 दिन में ही अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचा दिया और शहर के पातालेश्वर मंदिर में ही परिवार वालों की मौजूदगी में दहेज मुक्त शादी भी रचा ली। दरअसल प्रीति सिंह अपनी मां को इलाज के लिए लेकर सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंची, जहां तैनात स्वास्थ्य कर्मी मनिंदर कुमार सिंह से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात कब प्यार में बदल गया ये दोनों को पता ही नहीं चला। फिर क्या था, लड़के ने बगैर देर किए ही लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लड़की के पिता नहीं है, लिहाजा लड़की ने माँ का आदेश लेने की बात कही, जिस पर लड़के ने दहेज मुक्त शादी का प्रस्ताव लड़की की माँ के सामने रखा, जिसे लड़की की माँ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रेम प्रसंग में 5 दिनों का प्यार 7वें दिन ही शादी के पवित्र बंधन में बदल गया और दोनों परिवार की मौजूदगी में शहर के पातालेश्वर मंदिर में धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई। इस शादी में स्वास्थ्य कर्मी, अस्पताल कर्मी, बाराती बन नाचते दिखे, वहीं स्वास्थ्य कर्मी मनिंदर और प्रीति भी एक दूसरे के प्यार को पाकर काफी खुश दिखे। बिहार लाइव नाउ के लिए हाजीपुर से जिला प्रमुख प्रभंजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी को भर्ती कर दिया, इलाज चालू हुआ। यही 10 ये क्या कहते हैं 7-8 दिन बाद मैंने माँ से ये बात की है कि आप मम्मी हमारी थोड़ी मैंने किसी से घूम मिल जाती है जल्दी, तो बात करने लगी तो फिर मम्मी ने बोला कि आप शादी कीजिएगा। तो मैंने हाँ शादी तो करना है, पर हम मेरा ये तबीयत खराब है, इसके बाद करेंगे। फिर हम ये बोले कि शादी भी करना है, मम्मी बात करना चालू हो गया। उसके बाद मम्मी का भी कंडीशन सही नहीं है, तभी हम लोग शादी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हमारे इतना पापा नहीं है, हमारे सिर्फ मम्मी है, इसकी वजह से हम लोग तैयार हो गए। दोनों बेटा में प्यार की बात की हुई? हाँ हुई, मम्मी से अपनी मम्मी के बाद, मानी मम्मी राजी हुई तब। बीच में प्यार की बातें होती थी दोनों आदमी में? नहीं, राजी खुशी से शादी हुआ। हाँ, प्यार से हुआ या थी? हाँ, दोनों अरेंज लव। अरेंज लव। प्रपोज कौन किया था पहले आपकी? हैं, आप राजी हो गई थी? हाँ। नाम बता दीजिए।
नाम बताइए।